नमस्कार, कुक विद अर्चना मोहिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मी का मौसम आ गया, बहुत गर्मी, बाहर भी गर्मी, घर में भी गर्म। आप बिना एसी और कूलर के बैठना मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ ठंडा खाने पीने को मिल जाए तो तन मन दिमाग सबको राहत मिलती है। तो आज मैं कुछ शरबत के सीरीज बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी है बनाने में, और इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अभी पहला सीरीज में है ये सौंफ का शरबत। यह मैंने लिया है 60-65 ग्राम, ये महीन सौंफ है। ये 250 ग्राम ये धागे वाली मिश्री है, ये बहुत ठंडी करती है, फायदा करती है। इसको मैं खरल मूसल में कूट कर और मिक्सी में पीस लूँगी और दोनों को चलनी से चाल लूँगी। 10-12 छोटी इलायची है, 10-12 काली मिर्च के दाने हैं। इसको मैं सभी को पीस के चाल लूँगी। ये सौंफ और मिश्री को मैंने पीस लिया है, इसमें इलायची काली मिर्च भी मिलाकर पीसा है और इसको इस चलनी से चाल लिया है। अभी एक बार और चालूंगी जिससे ये आपस में मिल जाए, और फिर इसको शीशी में भर के रख दूंगी, एयर टाइट शीशी में। और जब पीना होगा तो 2 टेबल स्पून ये प्रीमिक्स को डालेंगे। पानी में पीना है, पानी में घोल लेंगे, दूध में पीना है, दूध में घोल लेंगे, और वो तुरंत 1 मिनट में वो शरबत तैयार हो जाएगी। बस ध्यान रखने की बात यही है कि इस सौंफ को आप आँच पर, तवे पर बिल्कुल नहीं सेकिएगा। इसकी खुशबू और इसके बेनिफिट वो दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसे आप चाहिए तो धूप में 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन आँच पर, तवे पर बिल्कुल भी नहीं भूनिएगा। और ये मिक्स बहुत अधिक एक बार में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। 1 महीना के लिए तैयार कीजिए, ख़त्म हो गया फिर कर लीजिए, क्योंकि बनाने में तो कोई झंझट नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 1 महीना के लिए इस पाउडर को बनाइए, पीजिए, फिर पी लीजिए। तो आप इसको बनाकर देखिए, अभी मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगी, दिखाती हूँ। अब मैं इससे पाउडर से शरबत बना रही हूँ। 1 ग्लास में 2 चम्मच डालते हैं, 2 टेबल स्पून के लगभग। और अगर दूध का बनाना हो तो दूध के लिए भी ऐसे ही यही मेजरमेंट में लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, क्योंकि ये नुकसान करने वाली चीज़ तो है नहीं। यह तो दिमाग को ठंडा रखेगी, आपके पेट को ठंडा रखेगी, तो अगर ज्यादा भी है तो कोई हर्ज नहीं है। यह पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यह आपने देखा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। एक बार मैं टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा है, मीठा भी ठीक है। बहुत अच्छा है। इसमें तो कुछ कुछ टेस्ट ठंडा ही जैसा लग रहा है। ऐसे इसमें अगर आधा चम्मच डाल ले तो और अच्छा लगेगा। ऐसे आप अपने चक्कर जैसा आपको लगे वैसा डालिए। ये तैयार हो गया बिल्कुल। आपको ये हमारा कैसा लगा प्रीमिक्स बनाना, इसको आप बनाइए, बहुत जल्दी ये शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। बनाइए और अपने अनुभव हमें जरूर भेजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि
मेरे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।